उसने तुम नेता हो गया बहन चौदह से उसे करवा दे वही सर सैकड़ों मैंने मुस्लिम हमारा दुकान पर पहुंच कर अब पूरा मारने के लिए एकदम मोहम्मद साद के अति बारे में हम दैनिक जागरण पेपर में पढ़ रहे थे कि पूरा इलाका में मन फैला रहा है मोहम्मद साद, तो हम बोले कि ऐसा काहल कर रहा है उसको अति सेंटर अति बना है उसमें इलाज करा ले, जो बीमारी काहल फैला रहा सबके फैल जाएगा तो पूरा भारत के लिए मरेगा। तो इसी में एक दो को मुस्लिम मैंने इधर आया और आके बोला कि साला तुम बहुत मियां के बारे में बोल रहा है, तो हम बोले कि ऐसा बात नहीं बोले हैं, जो मौली साहब के साद हैं ना से हमारे समाज के मुस्लिम वर्ग के लोगों ने दबाने का काम किया है या बहुत निंदनीय है या बहुत ही शर्मनाक घटना है। हरगामा के सरपंच को जिस तरीका से सैकड़ों मुसलमानों ने बंधक बनाकर उनको ज़बरदस्ती उठक बैठक लगवाने के बाद भी सोशल मीडिया पर मुसलमानों ने उनका वीडियो वायरल किया और उसमें लिखा गया कि हरगामा के सरपंच को कुटाई किया गया, यह बहुत ही हम लोगों के लिए शर्मनाक घटना है। मैं सरकार से मैं आग्रह करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि इस घटना के पुष्टि कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करें। जय श्री राम। मोहम्मद साद के अति बारे में हम दैनिक जागरण पेपर में पढ़ रहे थे कि पूरा इलाका में मन फैला रहा है मोहम्मद साद, तो हम बोले कि ऐसा काहल कर रहा है उसको अति सेंटर अति बना है उसमें इलाज करा ले, जो बीमारी काहल फैला रहा सबके फैल जाएगा तो पूरा भारत के लिए मरेगा। तो इसी में एक दो को मुस्लिम मैंने इधर आया और आके बोला कि साला तुम बहुत मियां के बारे में बोल रहा है, तो हम बोले कि ऐसा बात नहीं बोले हैं, जो मौली साहब के साद हैं ना